हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स देखने वाले हैं। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी उसका टॉपिक है। साइनोप्सिस देखते हैं। साइनोप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसके टाइप्स में है रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में है डायगोनल, स्कैटर, फिर आइडेंटिटी और यूनिटी। फिर सिक्स में है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिक्स। फिर सेवन्थ में है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एट में है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिक्स। फिर है डिटर्मिनेंट्स, फिर है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, फिर कंक्लूजन और लास्ट में है रिफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। रॉ एंड कॉलम के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले हम लोग को रॉ और कॉलम क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में है डिजिट्स दिए गए हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे रॉ वाला। रॉ वाला में देखिए 1 2 0 है और 1 3 2 है। तो इसमें जो आढ़ी लकीर में जो नंबर्स होंगे उसको हम लोग रॉ बोलेंगे, और जो लंबे होंगे यानी कि कॉलम होंगे, यहाँ पर कॉलम का एग्जाम्पल देखिए 1 2 और 0 है, फिर 1 3 और 2 है। यानी कि जो लंबी लकीर में नंबर होंगे उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, और जो आड़ी लकीर में नंबर अरेंज होंगे उसको हम लोग रॉ बोलेंगे। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है, रॉ एंड कॉलम के अरेंजमेंट्स को मैट्रिक्स कहते हैं। क्षैतिज रेखा रॉ कहलाती है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा कॉलम कहलाती है। तो रॉ को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है और कॉलम को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम इंटू होगा स्मॉल एम इंटू एन, और मैट्रिक्स इक्वल होगा रॉ इंटू कॉलम। हम लोग सेकेंड देखेंगे। जब कुछ नंबर रॉस एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी का हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे रॉ और कॉलम के लिए फिर से एक एग्जांपल दिया गया है। नंबर्स हैं जिसको रॉ और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया गया है। इसमें फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम दोनों बराबर हैं, 3 3। यानी कि जो रॉ है उसकी संख्या, उसके नंबर की संख्या भी 3 है, और जो कॉलम है तो कॉलम की संख्या भी 3 है। यहाँ पे इसके अंदर में जो नंबर है उसको बराबर है नहीं बोला गया है, क्योंकि नंबर्स तो अलग अलग हैं, लेकिन रॉ की संख्या 3 है और कॉलम भी इसमें 3 बने हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे रॉ इंटू कॉलम इक्वल टू मैट्रिक्स। प्रत्येक नंबर दैट मेक्स ऑफ अ मैट्रिक्स उसे मैट्रिक्स का एक एलिमेंट कहा जाता है। मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का स्पेशल स्थान होता है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। सर्वप्रथम सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में इसकी परिभाषा दी कि संख्याओं के किसी आयताकार या वर्गाकार सारणी को जिसमें से सारणिक बन सके मैट्रिक्स कहते हैं। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रॉ होता है, उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रॉ इसमें यानी कि आड़ी लकीर में नंबर एक एक ही अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, पहला है 1 2 3। यहाँ पे रॉ एक ही है और कॉलम एक भी नहीं है। दूसरा देखेंगे 2 × 5, फिर 2 और 5, और इसमें भी क्या है, रॉ की संख्या एक है। दूसरा देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉलम इसमें एक एक है और रॉ इसमें एक भी नहीं है। यानी कि जो लंबी लकीर में नंबर अरेंज करने की जो संख्या है वो एक एक है और कॉलम इसमें नहीं है। फिर तीसरा देखेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। चौथा देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस प्रकार के मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम नंबर बराबर नहीं होते हैं, तब इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जांपल है यहाँ पे
एग्जांपल देखिए, पहला वाला एग्जांपल में है 1, 2, 3, फिर नीचे में है 7, 8 और 6। इसमें रो की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन कॉलम की संख्या इसमें 3 है। रो इसमें क्या क्या होगा? 1, 2 और 3 पहला रो होगा और 7, 8 और 6 दूसरा रो होगा। और कॉलम इसमें क्या होगा? 1 और 7 पहला कॉलम होगा, 2 और 8 दूसरा कॉलम होगा और 3 और 6 तीसरा कॉलम होगा। तो यहाँ पे 2 × 3 हुआ, तो इसमें रो है 2 और कॉलम है 3। और सेकेंड वाला एग्जांपल देखिए, इसमें रो कितने हैं? इसमें रो की संख्या है 3, 1 और 2 पहला रो, 3 और 4 दूसरा रो और 6 और 8 तीसरा रो। और कॉलम इसमें कितना है? 2 है। कॉलम कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और 6 है पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम है 2, 4 और 8, ये दूसरा कॉलम है। तो इसी को बोला गया है m बराबर नहीं n, m इक्वल टू नंबर ऑफ रो और स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इस प्रकार के मैट्रिक्स में रो और कॉलम नंबर इक्वल रहेंगे तब इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 2, और कॉलम की संख्या भी 2 है। रो इसमें कौन कौन से हैं? 3, 1 पहला रो है और 5 और 6 दूसरा रो है। और कॉलम क्या है? 3 और 5 पहला कॉलम, 1 और 6 दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल नंबर में अरेंज है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला इसमें हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एलिमेंट 0 हों, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इसमें जो तिरछी रेखा मैंने इस गोला बनाया हुआ है, ये है डायगोनल। डायगोनल यही होता है। तो डायगोनल इसमें क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। तो डायगोनल नंबर को छोड़कर अगर बाकी सारी एलिमेंट 0 रहेंगे तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल मैट्रिक्स सेम रहेगा, यानी हम इसे यह कह सकते हैं कि इसमें सभी डायगोनल मैट्रिक्स सेम रहेंगे और अदर सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो डायगोनल नंबर है वो सेम है, यानी कि 4, 4 और 4 सेम है और बाकी सारे एलिमेंट वो 0 हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि इसे छोड़कर 0, बाकी 0, यानी कि जो डायगोनल नंबर होते हैं वो सेम रहेंगे और बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर 3 नंबर देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हों तथा ऑल प्रिंसिपल डायगोनल बराबर हों, तो इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे डायगोनल नंबर सेम है और बाकी एलिमेंट 0 हैं और कॉलम और रो की संख्या भी सेम है। कॉलम यहाँ पे देखिए 3 है और रो भी 3 है, और इसमें जो डायगोनल नंबर होगा वो सेम रहेगा और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 रहेगा। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स यही है। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा। कंडीशन क्या क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।